Assalamu alaikum dear viewers, mera pro cook ka parcel jo maine order kiya hua tha wo aaj aa gaya hai. Main bahut excited hu aapse share karne ke liye ki isme kya kya hai. Chalein kholte hain aur check karte hain ki is parcel mein kya kya hai aur inke box kaise hain. To be honest, main first time inke box maine order kiye hain aur first time try kar rahi hu. ये देखिए, सो ये मैंने एक 8 पीस वाला सेट ऑर्डर किया था. मैं आपको सब बर्तन एक एक करके निकाल के दिखाती हूँ. सबसे पहले अंदर से निकला है ये एक पैन और इसको खोल लेते हैं. देखिए, वजन में ठीक है, इतना भारी नहीं है, इतना हल्का भी नहीं है. और जो मुझे चीज पसंद है वो ये स्क्रूज हैं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी हम पैन्स ऑर्डर करते हैं वो यहाँ से वो बहुत लूजली अटैच होते हैं, इसलिए हर 2 दिन के बाद वो खुल जाते हैं. तो ये चीज मुझे इसकी पसंद आई है. अभी मैं दूसरा पैन निकालने वाली हूँ. ये इससे बड़े साइज का पैन है और इसको भी खोल लेते हैं. ये देखिए, ये वाला जो पैन है ये 28 सेंटीमीटर वाला पैन है, 11 इंच. और जो पिछला पैन मैंने आपको दिखाया था वो 20 सेंटीमीटर वाला पैन था, 8 इंच. इन दोनों में साइज चेक कर लें. अब ये थोड़े बड़े साइज का है तो ये मैं यहाँ रखूंगी, इसको यहाँ रखूंगी. अभी नेक्स्ट पैन जो मैं निकालने लगी हूँ वो ये वाला है. ये देखिए, ये छोटा सा सॉस पैन है, जैसे आपने कभी चाय बनानी हो या बच्चों के लिए दूध गर्म करना हो उसके लिए ये सॉस पैन है. इसका साइज है जी 16 सेंटीमीटर, 6.5 इंच. और ये भी स्टेनलेस स्टील का बहुत ही अच्छा पैन है. वजन भी इसका ठीक ही है, इतना भारी नहीं है. तो इसकी जो मुझे सेट की ज़्यादा बात पसंद आई थी वो इसकी, ये देखें, इसके ढक्कन में यहाँ पे सुराख हुए हुए हैं. तो अगर आपको, जैसे आपने कोई चीज़ बॉईल की है या कुछ, तो आप जस्ट ऐसे रख के और पानी स्ट्रेन आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली निकल आता है. अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. ये इससे थोड़े बड़े साइज का है आई थिंक. चलिए पहले ये खोल लेते हैं. जो पिछला मैंने आपको दिखाया था वो 16 सेंटीमीटर का था, अब ये जो है ये 18 सेंटीमीटर का है, जो उससे थोड़ा बड़ा है साइज में. और ये इसका ढक्कन जो आप देख सकते हैं, इसमें भी इसी तरह से सुराख हुआ है. इसका ढक्कन है, इसमें ये सुराख बने हुए हैं, छोटे भी हैं और बड़े वाले भी हैं, आप देख सकते हैं. और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है पानी निकालने में. और इसका साइज भी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ 18 सेंटीमीटर है. तो ये हम रख देते हैं यहाँ. नेक्स्ट तरफ चलते हैं, इससे थोड़े छोटे साइज का है. ओके, ये मुझे लग रहा है कि सबसे छोटा है, खोल के देखते हैं. जी,
जी बिल्कुल, ये सबसे छोटा पैन है और इसकी अंदर से ये 14 सेंटीमीटर है और 5.5 इंच। और आप देख सकते हैं कि इसके ढक्कन में भी इसी तरह से सुराख बने हुए हैं छोटे और बड़े। ये बहुत अच्छे छोटे से साइज़ का पैन है। जैसे बच्चों के लिए दूध गर्म करना होता है, ये कुछ ये परफेक्ट है उसके लिए। अच्छा जी, अब चलते हैं कुछ बड़े बर्तनों की तरफ। ये हमारे स्टीमर के लिए है, जैसे आप वेजिटेबल्स वगैरह स्टीम करते हैं तो उसमें आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके बॉटम वाला भी वो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, अभी ये हमारे पास है जी स्टॉक पॉट। इसकी अंदर से मेजरमेंट्स देख लें, 20 सेंटीमीटर है और 8 इंच। और ये जो है ये इसके साथ ढक्कन है, देख सकते हैं ये इसका साइज है अंदर से भी बाहर से भी। जो सबसे छोटा मैं उसके साथ कंपेयर करके आपको बता देती हूँ कि सबसे छोटा है उससे बड़ा, सबसे बड़ा है नहीं। जो लास्ट वाला है वो हम खोलने वाले हैं। This is 24 centimeter, 9.5 inch, and 3.2 liter. इसका जो है ये 3.2 liter ये है और ये भी 3.2 liter है। ये दोनों 3.2 liters हैं, लेकिन ये जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर से ज़्यादा खुला है। जैसे कढ़ाई चिकन बनाना होता है या कुछ इस तरह की चीज़, तो वो इसमें ईजीली बन सकती है। इसके साथ है जी ये इसकी लेट, देख सकते हैं। इन बर्तनों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो हैंडल हैं वो रबर के हैं, तो आपका हाथ नहीं चलेगा। और इनके लिड्स के ऊपर भी रबर के हैंडल्स हैं, जैसे कि आप सब में देख सकते हैं कि लिड्स के ऊपर भी इन्होंने रबर के हैंडल्स बनाए हैं, तो बहुत इजी हो जाता है इन सब बर्तनों को हैंडल करना। और ये हमारे सब के सब बर्तन हो गए, आप देख सकते हैं। अब इसमें यह है कि स्टील वाले बर्तन मैंने इसीलिए ऑर्डर किए थे क्योंकि काफ़ी मैंने रिसर्च की और उसके बाद मुझे पता चला कि जो स्टील है वो खाना बनाने के लिए बेस्ट होती है, मतलब हेल्थ वाइज भी। ये जो सबसे बड़ा है और ये वाला है ये उससे छोटा है, और ये इसके साथ स्टीमर है जो कि इसके अंदर फिट होगा। ऐसे करके आप इसको इसमें फिट कर सकते हैं और फिर आप उसको ऊपर से ढक्कन दे दें, तो आपकी जो है वो वेजिटेबल्स इजीली स्टीम हो जाएंगी या जो भी आपने स्टीम करना है। और उसके बाद ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है, आप साइज़ कंपेयर कर सकते हैं इनका। और ये हमारे पास पैन्स हैं, फ्राइंग पैन, दो फ्राइंग पैन्स आए हैं। सो ये तो ये 8 पीस का सेट है जो मैंने ऑर्डर किया था, और इसमें ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, सारे बर्तन। मैं ये ट्राई करूँगी तो मैं आपको इसका फीडबैक भी दूँगी कि ये यूज़ करने में कैसे हैं। बर्तनों को देख के लग रहा है कि ये क्वालिटी के बर्तन हैं, स्टेनलेस स्टील को देख के भी लग रहा है। आप अंदर से मैं इसको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी शाइन है इसमें, और ये देखिए। तो बर्तन क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं। जो फ्राइंग पैन है वो नॉन स्टिक हैं, और इसके साथ इनकी 10 इयर्स गारंटी है सारे बर्तनों की। तो ये आप देख सकते हैं,
साइज़ भी इनका अच्छा है, इस हिसाब से ऐसे बर्तन ऑर्डर किए हैं जो कि आपको उठाने में भी इतनी मुश्किल ना हो और हैंडल करने में भी इजी हो। सो ये था हमारा फीडबैक आज का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।